अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफस्टाइल सिनेमा में आप सबका वेलकम। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी खुश हैं, ठीक ठाक हैं, हैप्पी लाइफ गुजर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, यहाँ भी रहें, खुश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ बांटा करें, दुख दर्द में शरीक हुआ करें। तो व्यूअर्स, आज का जो ब्लॉग है इसमें हमने करनी है आपसे कुछ बातें। तो बातें जो हैं वो इस टॉपिक पे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियोस जो हैं व्लॉगिंग, कुकिंग और मिट्टी के चूल्हे वगैरह, तो मिट्टी के चूल्हे वगैरह जो हैं उस इस किस्म की वीडियो वगैरह आ रही हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम की बचत करके, टाइम निकाल के जो है वो बना रही हूँ। तो आज की जो स्पेशली वीडियो है इसमें आप लोगों का एक मशवरा चाहिए, जिसमें आप लोगों से मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि मुझे जो है नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी मैंने एक दो वीडियोस में बताया है कि जो है सारा दिन जो है इस सिलाई मशीन पे मेरा गुजरता है और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजी होती हूँ, और जो मुझे चैनल से अर्निंग हो रही है, चैनल की वीडियो जो मेरी चल रही है माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, आप सबकी सपोर्ट है मेरे साथ और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा जो चैनल है वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो उसके साथ साथ ही मेरा जो सिलाई का काम है वो माशाल्लाह उससे भी डूब जा रहा है। तो इसलिए जो है सिलाई का जो काम है ये मेरा शौक भी है, और जो है सारा दिन यहाँ पे मैं बिज़ी गुजरती हूँ, ये मेरा शौक़ था, और जो है ना ये एक समझ लें कि एक हुनर भी है जो कि मैं ख़त्म नहीं करना चाहती। तो स्पेशली जो है इस काम के लिए आप सबका मुझे मशवरा चाहिए कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स, मेरी दोस्तें और मेरे जो मोहल्ले वाले हैं वो मुझे इस बात पे फोर्स कर रही हैं कि आप हमें जो है ना वो सिलाई सिखाया करें। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अगर, क्योंकि मैंने अपने पास मेरे पास बैठ के आके घर यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए कह रही थी, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है, कपड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप भी जानते हैं, अगर उनको सिखाने में मेरा टाइम लगता है तो फिर जो मेरे कपड़े वगैरह सिलाई करने वाले हैं वो रह जाते हैं। और अभी मकान जो है वो भी हमारे कम्प्लीट नहीं है, आप लोगों को मैंने घर की वीडियो दिखाई है, क्योंकि अगर अलग से जगह बनी हुई हो तो फिर बंदा जो है ना वहाँ पे बैठ के अलग लड़कियाँ जो है वो सिलाई कर लेती हैं, तो इस वजह से मैं घर में बैठ के तो सबको सिखा नहीं सकती। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो वीडियो मैं ब्लॉगिंग वगैरह की बनाती हूँ उसकी जगह मैं सिलाई सिखाना स्टार्ट कर दूँ। कुछ मेरी फ्रेंड्स जो हैं और मेरी कुछ सब्सक्राइबर भी ऐसे जो मुझे इस चीज़ की फरमाइश कर रही हैं कि मैम आप ना वीडियो इस टॉपिक पे बनाया करें कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। स्टार्ट तो मैंने ब्लॉगिंग से ही किया है और साथ में मैंने मिट्टी के चूल्हे बनाए हैं। मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी की जो चीज़ें हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा लाइक होने लगी हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो पसंद करने लगे हैं उस चीज़ को, इसलिए मैंने वो भी वीडियो बनाई है। लेकिन उसके लिए मुझे बनाने में कोई इशू नहीं है, मैं बना लेती हूँ, जो व्यूअर्स हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं उस चीज़ को, लेकिन उनके लिए टाइम जो है ना वो मुझे निकालना पड़ता है, बार दफ़ा वीडियो मिस भी हो जाती है। तो कभी तो सोच रही हूँ कि मैं चैनल छोड़ दूँ और छोड़ने के बाद जो है अपना सिलाई का जो काम है वो ही कंटिन्यू रखूँ। तो इसलिए मैंने अभी चैनल छोड़ने की तो बाद में सोची है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब सिलाई वगैरह सिखानी स्टार्ट कर दूँ। अगर सिलाई वगैरह सिखाऊँगी तो किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा, कोई मेरी वीडियो देख के सीख जाएगा और इससे चले मेरी वीडियो भी चलती रहेगी और सीखने वाले को भी फ़ायदा होगा। तो अभी आप लोगों से मेरा ये मशवरा है कि मुझे इस चीज़ पे थोड़ा गाइड करें कि मुझे जो है वो किस किस बनानी चाहिए। आप लोगों से मैंने इसलिए मशवरा ले रही हूँ कि जो है ना अगर मैं सिलाई की वीडियो स्टार्ट कर लूँ तो कैसा रहेगा, मतलब चैनल जो है वो मेरा ब्लॉगिंग वगैरह का और मिट्टी के चूल्हे वगैरह हैं इस पर,
तो अगर मैं इसी पे सिलाई का स्टार्ट कर लूँ वो बेस्ट रहेगा, या मैं इसके लिए एक न्यू चैनल बनाऊँ? क्योंकि सिलाई का जो काम है वो तो मैंने स्टार्ट करना ही करना है, क्योंकि सिलाई तो ऑलरेडी कर रही हूँ, लेकिन इससे मैंने एक चैनल बनाना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो है अब मैं सिलाई सिखाना स्टार्ट कर दूँ, इसकी कटिंग, लेडीज सूट, जेंट्स, ये जेंट्स सूट है जो सिलाई कर रही हूँ, तो जो है ना मर्दाना और जनाना सूट दोनों सिलाई करती हूँ, दोनों की कटिंग, दोनों की सिलाई और दोनों की मतलब हर चीज़ जो है ना इसमें सिखाना स्टार्ट कर दूँगी। और बहुत सी लड़कियों का, कुछ लड़के भी ऐसे हैं जो सिलाई वगैरह करते तो हैं लेकिन उनको भी सीखने की ज़रूरत होती है, तो इसे बहुत सारे जो है ना आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो अभी जो है अभी सिर्फ मैं सोच रही हूँ, तो आज की वीडियो जो है इसी टॉपिक पे मैंने बनाई है कि आप जो है ना मुझे इस चीज़ का मशवरा दें कि मुझे नेक्स्ट जो है वो वीडियो कैसी बनानी चाहिए, क्योंकि सिलाई करना मेरा शौक़ था और मेरे घर वालों ने भी मेरा शौक़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। सिलाई करने का शौक़ था, अब्बू जी ने ये मुझे जो मशीन लेके दी है ये सिर्फ जो एक मशीन है यही 40,000 की है, तो मेरे शौक़ की खातर इन्होंने मतलब अब्बू जी ने मुझे ये मशीन लेके दी है, 40,000 रुपये इस पर लगाया है। तो अगर मतलब ये मैं अपना काम पीछे छोड़ती हूँ फिर भी मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरा शौक़ है सिलाई करना और करती भी हूँ माशाल्लाह से अच्छे, जो है ना हमारे मोहल्ले से जो है ना वो सिलाई वगैरह आती है और मैं करती हूँ, वो दूर दूर से आते हैं, साथ वाले गांव से भी आते हैं कपड़े वगैरह सिलाई करने, तो इसलिए मैं सिलाई जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो आप लोगों से मशवरा है कि यही करना है कि मुझे मशवरा दें कि मैं मतलब सिलाई पर अगर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा, या इसी चैनल पर सिलाई की वीडियो स्टार्ट कर दूँ, या एक नेक्स्ट जो है ना न्यू चैनल बना के उस पर सिलाई की वीडियो अपलोड किया करूँ और इस पर ब्लॉगिंग वगैरह। ब्लॉगिंग बनाने को तो मैं बनाती जाऊँगी, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ब्लॉगिंग के जो चैनल हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत लोगों ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है और गाँव का माहौल, गाँव का कल्चर जो है ना हर बंदा तीसरा बंदा ही दिखा रहा है, तो शहर वाले जो है ना इस चीज़ को देख देख के भी, मेरे खुद के सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे होते हैं कि मैम आप कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कोई न्यू चीज़ सिखाएं जिससे हमें सीखने को कुछ मिले। तो ब्लॉगिंग से इसलिए थोड़ा मैं अवॉइड कर रही हूँ कि बार बार एक ही चीज़ क्या दिखानी होती है, अगर मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ तो बहुत से मतलब देखने वालों का फ़ायदा होगा, इससे वो कुछ सीख जाएंगे और उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें कढ़ाई वगैरह किया करेंगे और कपड़े स्टिच सारी मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो आप आज की वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे नेक्स्ट जो है वो किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। व्लॉगिंग, अगर कुछ लोग व्लॉगिंग लाइक करते हैं, मेरे कुछ व्यूअर सब्सक्राइबर, मैं व्लॉगिंग छोड़ नहीं रही हूँ, बिल्कुल से नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वीक में एक दो दफ़ा मैं व्लॉगिंग भी किया करूँगी और उसके बाद जो है इसकी भी वीडियो बनाया करूँगी। तो ब्लॉगिंग कम कर दूँगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं, तो जैसे ही मेरा चक्कर बाहर लगेगा बाहर की वीडियो भी मिला करेगी, आउटडोर की भी और ब्लॉगिंग की भी। रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, रेगुलर जो है आप लोगों को इस चीज़ की वीडियो मिलेंगी और ब्लॉगिंग की कभी कभार वीडियो आया करेगी। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे, मुझे ज़रूर मशवरा देंगे कि मुझे जो है वो कैसी वीडियो बनानी चाहिए, तो नेक्स्ट जो है मुझे किस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की मेरा छोटा सा जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा वीडियो का, और आप लोग मुझे इस चीज़ से वो ज़रूर गाइड करेंगे कि मुझे जो है वो किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो इसके साथ साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।